चलिए, मेरे और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और अभी से मैं मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह सुबह मोन को स्कूल भेज दिया। मोन को स्कूल तो मैं 7:30 बजे तक, 7:40 तक वो घर से निकल जाते हैं। अभी हमारा नहाना धोना, कपड़ा बर्तन, झाड़ू पोछा जो भी था सब कुछ करके मैं अभी चाय बनाने के लिए किचन में जाऊँगी। उसके पहले सोचा कि आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ सुबह से मुझे क्या क्या काम करना पड़ते। सुबह अभी 8:30 बजा है, फिर भी घर का खिड़की नहीं खोलते। मेरे घर का सुबह नहीं, पूरा दिन ही नहीं खोलता है। इतना ज़्यादा मतलब धूल आते हैं ना, और फिर ठंडी भी आती है, इसीलिए खोलती नहीं। और पिजन का बहुत मतलब वो उसके मतलब बॉडी का जो पालक रहते ना वो भी आते हैं। देखो मेरे किचन का हालात कैसा है, इधर से कलर झड़ के। ये हमेशा ठीक करती हूँ पर वो ऐसे ही हो जाते हैं। और ये 2 दिन हो गया ये पीठे का एज, तो आज इसको ख़त्म करने का मुन के पापा को देंगे। और सुबह सुबह मेरा खाना भी ऑलमोस्ट बन गया, क्योंकि आज मैंने कुछ 5:30 बजे तक उठा था और सारे के सारे काम जल्दी जल्दी निपट गया था, इसी वजह से खाना भी जल्दी बनाने के लिए दे दिया था। और दाल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। दाल बनाई थी, बैगन भाजा बनाई थी, और बनाई थी भिंडी का सरसे मतलब सर्षे बाटा बोलते हैं ना, भिंडी सर्षे बाटा सेटा। और मुनेर पसंद मुन की सॉरी बंगाली निकल आ रही थी, और मुन को बहुत पसंद है ये आलू फ्राई, तो आलू को मैंने ऐसे चिप्स टाइप का कट करके उसको फ्राई कर दिया। मुन आने के बाद गरम गरम राइस के साथ घी डाल के दाल और बैगन भजा दे के वो उसका खाना हो जाएगा। किचन का हालात ऐसा है, फटक से क्लीन हो जाएगा, बस दाल हो जाए और राइस को मैं पानी निचोड़ने के लिए दे दूँगी, उसके पहले बर्तन धो लूँगी। और बेडरूम सुबह सुबह ना ऐसे ही रहते हैं रेडी होने के बाद, तो बेडरूम को एक बार एक झलक आके ना थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी। और क्या होता है कि अभी राइस बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसी वजह से मैं सोचती हूँ ये जो टाइम रहते हैं ना हाथ का जो भी सारे काम रहते हैं वो निपट लेती हूँ। और फिर बेड को तो सुबह ही क्लीन करके रखती हूँ। मेरे जो अलमीरा है ना, एक तो मेरा पुराना वाला है मतलब पहले का है, वो मतलब ज़्यादा अच्छा वाला प्लाई का नहीं है, पर ये साइड में जो ब्राउन कलर का है ना वो अच्छे वाला प्लाई का है, जो गोदरेज का होते हैं ना घर में आके फिक्स करके जाते हैं वो वाला। तो इसको तो पता नहीं ये घर जब छोड़ेंगे तब, अभी तो नहीं छोड़ेंगे, फिलहाल बहुत लेट है छोड़ने का, पर वही सोचती हूँ कि इसको लेके कैसे जाएंगे। ऊपर मून से बचाने के लिए सब कुछ मैं मून जब सामने रहते तो ऊपर ऐसे ऐसे रख देती हूँ, पर बाद में ना जब वीडियो बनाती हूँ तब एकदम अच्छा नहीं लगते ये सब, मतलब आगे आगे दिखता है, तो उस सब को ही पीछे अच्छी तरह से अरेंजमेंट करके रख रही हूँ। और मेरा एक जो चेयर है ना वो ना टूट गया है, उसका जो पैर था ना वो पता नहीं क्यों, मतलब एक दिन बैठने के लिए गया था और वो खोल के बाहर आ गया था, उसके बाद से उसको बाहर रख दिया हूँ। झालाई बोलते हैं ना, मतलब जो लोहे की दुकान में करते हैं, मतलब ग्रिल वगैरह को करते हैं ना एक साथ एडजस्ट करने के लिए, वो करना है पर टाइम ही नहीं मिलता है मुन के पापा को, इसीलिए वो बैल्कनी में ही पड़ा है। और चेयर से इसीलिए साफ़ किया क्योंकि मेरा जो लेदर था ना उसमें मधुमक्खी का मतलब बाशा बोलते हैं ना घर बनाया है, इसी वजह से उसको तो हाथ भी नहीं लगा सकते तो वो लोग गुस्सा हो जाएगा। और अभी जो मतलब थोड़ा बहुत जो काम रहते हैं वही कर लूँगी। आज है ना मूली से मैं इसका दाल बनाई थी, क्या बोलते हैं मूंग का दाल, तो आज मंडे है तो वेज खाते हैं, इसी वजह से सब कुछ वेज ही बनाना पड़ा। और अभी ये सब कुछ साफ़ करने के बाद, मैं बर्तन वगैरह धोने के बाद मुझे चाय पी लिया शायद, अभी याद नहीं है, चाय पीने के बाद ही खाना बनाने के लिए जाती हूँ मैं। उसके बाद ना किचन का फ्लोर पता नहीं क्यों इतना बार मैं पोछा लगाती हूँ, फिर भी जब मैं दूर से देखूँगी ना तो मुझे लगता है किचन के फ्लोर में मेरा पैर का पूरा निशान दिख रहा है। और पता है ये जो क्या बोलते हैं मनी प्लांट होता है ना, ये ना धूप में एकदम अच्छे से नहीं होता है, धूप में पूरा जल जाता है और अजीब सा उसके पत्ते का कलर हो जाता है। और किसी ने मुझे बोला था कि बाम्बू प्लांट को थोड़ा टाइम के लिए बाहर, मतलब आप लोगों में से नहीं मेरे ही आजू बाजू वालों में से, कि बाम्बू प्लांट को थोड़ा सा धूप में रखना चाहिए। उन्हीं के बात सुन के मैंने धूप में रखा था और मेरे बाम्बू प्लांट आज उसका 2 साल होने जा रहा है, और पता नहीं क्यों वो ना मुरझा गया, येल्लो हो गया उसका पत्ता, तो मैं जल्दी उसको फिर से घर पे आके रखी हो कि चलो इसको बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। पर जब उसका पत्ता को मैंने येलो देख लिया ना तब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब हम गांव गए थे ना तब भी वो जिंदा था, सारी के सारे पौधा मतलब जिंदा था, किसी को कुछ नहीं हुआ था, बड़ा सा एक टब में पानी भर के रख के गई थी,
और फिर वो एक भी नहीं मरा था, कुछ कुछ इंडोर था वो घर पे रखे गई थी, इसी वजह से वो लोग सब मतलब वो सारे पौधा अच्छा था। और हमारा फिश जो है ना एक्वेरियम का वो भी ठीक ठाक था, उसको भी ठीक ठाक मतलब वो भी अच्छा था, उसको कुछ नहीं हुआ था। जो मतलब वैक्सीन वाला उनका खाना रहते हैं ना 15 दिन का, हम लोग 1 महीने के लिए गए थे गाँव, तो 15 दिन का देके गए थे, और 15 दिन का उसकी मामा है ना तो उनके पास रख के गए थे, बस आके वो एक बॉल टाइप का होता है उसको डाल देने का एक्वेरियम के अंदर, तो कुछ भी मतलब सारे के सारे फिश अच्छा रहते हैं। खाना तो बन गया, बर्तन धोने के बाद बस फ्लोर को थोड़ा सा पोछा लगा दूंगी, किचन की फ्लोर को ही पोछा लगा देती हूँ, उसके बाद जो है ना राइस को भी मैं पानी निचोड़ने के लिए रख दूंगी। और मुनगे पापा अभी 10 बजे तक गोडाउन जाते हैं, तो मेरा खाना वगैरह बन गया था, मैंने उनको बोला था कि खाना खा के फिर जाओ, पर उसने बोला नहीं अभी नहीं खाऊंगी बाद में आ जाऊंगी। 10 बजे जाते हैं और शाम की 7 बजे का 7:30 बजे भी आ जाते हैं, उसके पहले भी कभी कभार आ जाते हैं। तो हमारे बंगाली में ऐसे करके जो राइस होते हैं ना उनका जो पानी है उसको ऐसे करके निचोड़ते हैं। बहुत लोगों को ये नहीं आते हैं, पर मुझे ना कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, मुझे हमेशा ही ये आता था। सब लोग बोलते हैं अरे बापरे मुझे नहीं आते मुझे नहीं आते, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं हमेशा ही इसको मतलब उपोर दिया बोलते हैं तो दे सकती हूँ। अभी चलो मुनके पापा जा रहे हैं, अभी कुछ 10-15 के आसपास की टाइम हो रहा है शायद, मैं थोड़ा टाइम के लिए बैठूंगी एडिटिंग के लिए, हाफ करके रखूंगी, उसके बाद टाइम हो जाएगा मून को लाने के लिए और तब मैं मून को लाने के लिए जाऊंगी। हाँ, और आप लोगों को एक बात के लिए थैंक यू बोलना तो भूल ही गई, आप लोग मुझे बोले, मैंने आपसे पूछा था कि मैं कौन से टाइम में मेरा वीडियो अपलोड करूँ, तो मुझे ना 12 बजे के टाइम बहुत इजी होता है, क्योंकि रेडी हो जाते ब्लॉग तो जल्दी जल्दी पोस्ट कर देना मुझे अच्छा लगता है, और उसको लेके रखना फिर शाम को पोस्ट करना वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, फिर बोर भी हो जाती हूँ, फिर एनर्जी नहीं आते, उससे अच्छा तो रात को मैं एडिटिंग करके रखती हूँ, सुबह उठ के 12 बजे तक की मैं पोस्ट कर दूँगी तो मुझे भी अच्छा रहेगा और इतना टेंशन नहीं रहेगा। कभी कभार लाइट नहीं रहता है, चले जाते हैं 1 बजे के बाद, तो तब और भी प्रॉब्लम होता है। तो चलो एकदम से मिलूँगी मून को लाने के बाद, तो मून को लाने के बाद नहाना खिलाना सब कुछ हो गया है, अभी वो स्टडी कर रहा है, जो होमवर्क रहते हैं वो मैं सुबह ही उसको करा देती हूँ, क्योंकि हमेशा बुक लेके बैठना पसंद नहीं आते, चाहे एक साथ ही तुम होमवर्क कर लो जिससे कि तुमको बार बार बुक लेके नहीं बैठना पड़े, अगर मैं इसी टाइम में उसको होमवर्क कर दूंगी ना 1 घंटे के पक्का रहेगा जो होमवर्क रहेगा, फिर स्कूल का होमवर्क ट्यूशन का होमवर्क और कुछ मैं घर पे कराती हूँ। ऐसा नहीं सोच मतलब आप लोग ऐसा मत समझना कि मैं बहुत ज़्यादा उसको प्रेशर देती हूँ, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हर एक चीज़ को सिखाती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ही सिखाती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो इसी वजह से उसको जो भी सारा होमवर्क था कुछ रीडिंग था वो सब कुछ कराने के बाद उसको थोड़ा सा फ्रूट खिला के सुला दी। अभी 2 बजे की टाइम हो रहा है, मुनके पापा है या मुनके पापा के लिए खाना रेडी करके रखी हो, और अभी जो टाइम हो रहा है ना 2 बजे के बाद मून और मैं दोनों मिलके सो गई थी, अभी कुछ 5:30 बजे की टाइम हो रहा है, मून को लाने जा मतलब दे के आ गई ट्यूशन में, उसको लाने के लिए टाइम हो जाएगा और 1 घंटा बाद। तो उसके पहले मैंने सोचा 2-4 कपड़ा ना हमेशा ही जो है वार्डरोब के अंदर इधर उधर पड़ा रहता है उसको अच्छे तरह से फोल्ड करके रखती हूँ, जब जल्दी जल्दी में रहती हूँ ना तब ऐसे करके रख देती हूँ। तो अभी टाइम है तो बेडरूम का जो वार्डरोब है ना उसको साफ़ करके रखूँगी, बेड को भी थोड़ा सा क्लीन करके रखूँगी, झाड़ू पोछा सब कुछ मून को देने के लिए पहले ही कर लेती हूँ। और पता है जब मून को लेके जाती हूँ आती हूँ पहले तो थोड़ा सा ये करती थी कि मैं कैसे अकेली जाऊँगी, पर नहीं, मून के पापा ना बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प करते हैं, जैसे स्कूल दे के आते हैं मून के पापा, फिर लेने के लिए मैं जाती हूँ, ट्यूशन में दे के आती हूँ लेने के लिए मून के पापा लेके आ जाते हैं, क्योंकि उसके गोडाउन और मून का ट्यूशन नज़दीक ही है, तो आने का टाइम मून के पापा का बोला था 7:30 बजे, जिस दिन 7 बजे आते हैं उस दिन मून को लेके एकदम से घर आ जाते हैं। कल मून को लाने के बाद हम तीनों मिलके मूवी देख रहे थे, उसके बाद खाना खा के सो गए थे, और कुछ आप लोगों को दिखाने जैसा नहीं था, इसी वजह से अभी फिर से मॉर्निंग से व्लॉग शुरू किया, और मॉर्निंग में बस वही काम धाम सब हो गया। बाहर देखो अभी कुछ 8 बजे की टाइम हो रहा है, बाहर कितना ज़्यादा अंधेरा था पर फिर भी थोड़ा थोड़ा करके धूप निकल रहा है, अभी उजाला आ रहे हैं। और अभी जो है सुबह का सारे काम हो गया, पर अभी मुझे खाना बनाने के लिए जाना, उसके पहले चाय भी अभी नहीं बनाई हूँ, चाय बना के पीने के बाद फिर खाना बनाने के लिए आऊँगी। बर्तन वगैरह सब धो लिया, क्योंकि 7:30 बजे तक पानी आते हैं, जो भी सारे बर्तन रहते हैं वो, और उधर रोटी है दूध है और इधर कुछ किचन का टॉवल था जो कि एक ही हाथ में मैंने धो लेती हूँ सुबह ही, और उसके बाद बाहर दिखा रही हूँ। सब लोग अभी मॉर्निंग वॉक में आए हैं 8 बजे, कोई कोई तो 6:30 बजे तक से मतलब
6:30 बजे तक नहीं, मतलब कुछ 7 बजे तक तो आ जाते कोई कोई। नहाने के बाद मैं क्रीम लगाई हूँ, पर मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लेजी फील वाला काम कौन सा लगते पता है? कॉम्बिंग करना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। कौन बिल्कुल नहीं पसंद ऐसा नहीं बोलूँगी, इतना बाल झड़ते हैं ना कि मुझे पसंद ही नहीं आते हैं कि चलो कॉम्बिंग करती हूँ, क्योंकि फिर से घर में बाल पड़ेगा, ये वो होगा, तो वही दिखा रही थी आप लोगों को। तो उसके बाद चाय बनाने के पहले भी मेरा नहाने के बाद जो सबसे पहला काम रहते हैं वो रहते हैं चावल को भिगोने का। चावल अगर भिगा के मैं उसका राइस बनाती हूँ ना, तो फिर वो बहुत खिला खिला रहते हैं, खाने में भी बहुत अच्छा लगते हैं, क्योंकि हम सिर्फ मतलब राइस ही खाते हैं ना, तो राइस अगर अच्छे से पकेगा ना, बनेगा ना, तो फिर सब्जी चाहे कैसा भी हो, दाल हो, सिर्फ आलू मतलब भरता हो, फिर भी खा सकते हैं। पर राइस अगर थोड़ा सा अलग अलग मतलब एक साथ लगा हुआ रहेगा, पानी पानी जैसे लगेगा ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। किचन का जो टॉवल मैं धो के रखी थी ना, वो सब कुछ मैं किचन में ही धूप में रख देती हूँ। किचन का 2 खिड़की है, इस खिड़की में ना मुझे पर्दा लगाना है, तो फिर नीचे तक की पर्दा लगाऊंगी तो वो जो पुट्टी वगैरह निकालते ना वो दिखेगा नहीं, तो अच्छा लगेगा शायद। सोच रही थी, मेरे पास है 3 पर्दा ऐसा, तो मैंने सोचा उधर एक रॉड लगा के फिर लगाती हूँ। अभी जो है ना एक चीज़ बनाऊंगी, आज बनाऊंगी ना, वो मसूर का दाल को भिगो के रखी थी, उसको पेस्ट बनाई थी, थोड़ा सा क्या बोलते हैं अदरक, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली डाल के उसका पेस्ट बना के, नमक हल्दी और कलौंजी डाल के उसमें थोड़ा सा चावल का आटा डाली हो जिसे क्रिस्पी बनते हैं, वो डाल के उसको एक पकौड़ा टाइप का बनाऊंगी। और इसमें धनिया का पत्ता भी थोड़ा चॉप करके दी हूँ, जिससे कि वो अच्छे से मतलब एक फ्लेवर आए, खुशबू आए। साइड में राइस बन रहा है। और आज क्या क्या बनाई थी, आज बनाई थी कटहल की सब्जी, दाल था कल का ही, उसको गरम करके रखी हूँ, और ये पकोड़ा बनाऊँगी दाल के साथ, गरम गरम अच्छा लगेगा। चलो इसको एक ही साथ डाल दी, बार बार मतलब 2 बार करके फ्राई करना उतना मेरे पास टाइम नहीं है, और मेरे को बहुत एनर्जी नहीं है उतना ज़्यादा, तो एक साथ ही सब डाल दिया थोड़ा सा ऑयल में। और इधर कटहल था 2 दिन पहले लेके आया था, वो हाफ उस दिन बनाई थी और हाफ आज बनाई हूँ। और ये मूली से दाल जो कल बनाई थी उसी को ही थोड़ा सा गरम करके रखी थी, बहुत गाढ़ा हो गया था इसी वजह से मैंने थोड़ा सा गरम पानी डाल के उसको गरम करके रखी हूँ। और ये पकौड़ा जो है पूरा अच्छे से मैंने तल लिया, इसको मैंने 1-2 खा भी लिया, मस्त हुआ था। और मैं थोड़ा बड़ा बड़ा करके डाली हूँ, अब चाहे तो छोटा छोटा करोगे ना तो और भी क्रिस्पी होगा। तो चलो आज का व्लॉग यहीं तक एंड करते हैं, फिर मिलती हूँ।